मॉर्निंग एवरीवन, आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मॉर्निंग का मैंने जो है लंच वगैरह बना लिया है, किचन क्लीन हो गया है। अभी मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। और झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है, सारे रूम को मैंने डन कर दिया, बस मुझे शावर लेने हैं और नाश्ता करना है। तो इस तरह से किचन जो देखिए मेरा, ये दूध वगैरह मैंने गर्म कर दिया है और इधर ये बर्तन वगैरह सारे डन हो गए हैं, आपको दिख रहा भी होगा। इस तरह से सारे मैंने क्लीन कर दिए हैं और ये दूध गर्म किया है अभी मैंने। उसके बाद जो है ये दीवान का जो गद्दा है मेरा, इसको मैंने थोड़ा धूप में डाला था एक दिन पहले ही, और फिर जो कवर को मैंने वॉश किया था तो उसी को मैंने सोचा कि मैं इसको डाल दूं और इस पे चादर वगैरह बिछा दूं और उसके बाद जो है शावर लेने जाऊंगी, क्योंकि नहाने के बाद काम वाम करने पे थोड़ी सी गर्मी होने लगती है और क्योंकि गर्मियां ज़्यादा पड़ रही हैं तो इस वजह से। और कोशिश यही करती हूँ कि लगभग जो मोटे मोटे काम हैं वो मेरे शावर लेने से पहले ही ख़त्म हो जाएं। बाकी जो है किचन का स्लैप वगैरह, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो तो शावर लेने के बाद भी हो जाएगा, बट मैंने आज जो है डन कर दिया है उसको भी, जैसा भी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। और यहाँ पे मैं जो है ये डबल बेड की चादर ही बिछा रही हूँ, क्योंकि ये कॉटन है तो थोड़ा सा बैठने उठने में आराम मिलता है और गर्मियों में ज़्यादातर कॉटन के ही जो बेडशीट वगैरह हैं यूज करना चाहिए। तो मेरे दो बेडशीट हैं तो मैंने उसको धुला है, तो इस वजह से सिंगल वाले, तो यहाँ पे मैंने ये डबल बेडशीट जो है यहाँ पे मैं फोल्ड करके डाल दूंगी। तो कभी कभी होता है कि जब हम डबल बेडशीट डालते हैं तो उसका जो है जब उसको फोल्ड करते हैं तो इस तरह से वो बाहर निकाल आते हैं। तो इसका सबसे अच्छा ट्रिक है कि इसको जो है आप गद्दे के नीचे जो है या तो इस तरह से कर दीजिए, या फिर अगर आपको ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नहीं मोड़ फोल्ड करना है तो बस ये नीचे का जो है इस तरह से फोल्ड अगर आपका हो जाता है तो वो जो नीचे वाला जो चादर है वो दिखता नहीं है। और नहीं है तो आप चारों ओर से अगर फोल्ड करते हैं तो वो चारों तरफ से ऐसे ही फोल्ड हो सकता है। मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा ओपन करके रखती हूँ तो वो अच्छा लगता है। और इस तरह से ये जो है ये मसलन का जो है, तो ये जो मैंने नए है तो इसका जो है इस तरह से इसमें दिया हुआ था, ये अमेजोन से आया था। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि जब हम इसको बांधते हैं तो जो इसका मसलन है जो अंदर का, तो वो दिखता नहीं है। बाकी मसलन में जो क्या है अगर वो नहीं रहते हैं तो वो दिखते हैं, तो जो थोड़ा अच्छे नहीं लगते हैं, तो इस तरह से और काफ़ी अच्छे लगते हैं। फ्रिज में भी मैंने डाल दिया है और क्योंकि दूध गर्म हो गए थे, ठंडा हो गया था, और ये जो भी मॉर्निंग में दूध आई है वो दूध बची है और ये खाना वगैरह मेरा बन गया है, ये दाल और ये
भिंडी की सब्जी। रूम को भी अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है, बेड वगैरह चादर वगैरह जो भी है इसको मैंने अच्छे से बिछा दिया है। तो फिर मैं आप लोगों से अभी मिलती हूँ, थोड़ा मैं सार वगैरह ले लूँ। और अभी टाइम हो रहे हैं आपके 10:30, तो 10 बजे तक मेरे सारे जो है वर्क डन हो गए हैं और बस मुझे मशीन लगाना है, तो मैं शाम को इवनिंग में लगाऊंगी। और ऑलमोस्ट ड्राइंग रूम भी मेरा क्लीन ही है, मैं लाइट जलाती हूँ। जब सुबह में झाड़ू मैंने लगाया तभी मैंने इसको डस्टिंग वगैरह मैंने रूम में कर दिया था और अच्छे से ये क्लीन हो गया है। तो शावर लेके मैं पहले ही आ गई थी और नाश्ता वगैरह मेरा हो गया है। और नाश्ते में अब भिंडी और आलू की भुजिया सब्जी, चाय और रोटी था। और अभी खाना हम लोग नहीं खाए हैं, अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे। और अभी एक वीडियो का जो है एडिट करके पोस्ट किया है, तो जाइए और आप लोग उस वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। और वीडियो एडिटिंग का जो है मैं थोड़ा सा या तो नाइट में करती हूँ डिनर करने के बाद, या फिर दोपहर में जो है खाना वाना खाने के सॉरी लंच वगैरह करने के बाद थोड़ा सा मैं एडिटिंग कर देती हूँ। और पब्लिशिंग का है तो कभी नाइट में और कभी मैं ये दोपहर में कर देती हूँ, दो टाइम मेरा पब्लिश का रहता है तो ये मैं करती हूँ। और कपड़े वगैरह मैंने लगा दिए हैं, ये कपड़े धुला रहे हैं और जो भी मेरे अब तक के जो वर्क थे वो डन हो गए हैं। जो भी घर में जो फंक्शन के बाद जा रहे हैं सारे जो क्लीनिंग है वो डन हो गया है। और इसी की वीडियो जो है मैंने अभी जस्ट पोस्ट की है। और क्योंकि ज़रूरी हो जाता है जब हमारे घर में फंक्शन होते हैं या कोई भी फंक्शन छोटा हो या बड़ा हो अगर करते हैं तो मैसी तो हो ही जाता है, तो उसको ऑर्गेनाइज करना अभी चाहिए। और ऐसा करना चाहिए कि कुछ दिन तक वो सही से रहे। और उसके बाद ये रहा हम लोग का दोपहर का लंच, दाल चावल और भिंडी की सब्जी और आलू को और प्याज का जो चोखा होता है और दही। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और उसके बाद जो है ये लंच वगैरह करने के बाद जो बर्तन वगैरह थे उसको मैं थोड़ा क्लीन की। जैसा आपको पता है कि मेड नहीं आ रही है और गई है अपने गांव, तो बस आने वाली है 2 से 3 दिन में, तो उसके बाद जो है फिर आएगी तो वो अपना काम शुरू करेगी। तो जो बड़े बर्तन हैं मैंने धूल के नीचे रख दिया है, जो बास्केट में रखती हूँ आज उसको मैंने क्लीन किया क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई थी पानी जब इसमें होता है तो। और ये किचन के जो है सारे मैंने स्लेप वगैरह जो है पोछ दिया। तो लंच के बाद ही मैं ये करती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आराम करूँगी। तो पानी जो सिंक जो है अगर उसको हम हमेशा ड्राई रखें तो स्मेल वगैरह बहुत नहीं आती है। अगर वही हम सिंक वगैरह को ड्राई नहीं रखते हैं या जो भी जूठन वगैरह होती है उसमें रह जाती है तो वही उसमें बदबू आने लगती है। तो ये कोशिश करना चाहिए कि दिन में कम से कम दो से तीन बार सुबह शाम और एक बार दोपहर में भी अगर टाइम है पॉसिबल है तो कर देना चाहिए और इससे जो है स्मेल नहीं आती है। और फिर उसके बाद जो है ये शाम का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, तो ये मैं आई हूँ किचन में तो मैंने सोचा कि जो मैंने क्लीनिंग किया था अच्छे से तो उसका एक बार मैं आपको दिखा दूँ। और ये इवनिंग में दूध आई है तो इसको भी गर्म करने हैं। और आज मुझे बनाने हैं खीर क्योंकि दूध एक्स्ट्रा है तो सोचा कि आज थोड़ा खीर में भी बना देती हूँ। और उसके बाद जो है मैं सब्जियाँ जो है काटूँगी। और जो बर्तन सूख गए थे यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया है बड़े स्टैंड में। और ये जो बर्तन है मेरे डेली बेसिस के जो बर्तन हैं वो हैं यहाँ पे मैं हैंग करके रखती हूँ।
और काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। और ये मैंने दिवाली में किसी दिवाली पे मैंने इसको लिया था, और ये अब जा रही हूँ मैं सब्ज़ी बनाने, और जो भी दूध वगैरह है मैंने फ्रिज से निकाल दिए हैं, और क्योंकि अब हम लोग के यहाँ शाम की चाय नहीं बनती है, क्योंकि जो आजकल बेल आती है सबको पता होगा, तो उसी का शरबत जो है हम लोग शाम में लेते हैं, और उससे जो है गैस वगैरह नहीं बनता है। गर्मी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप चाय नहीं पीना चाहते हैं तो बेल का शरबत ज़रूर आप बनाइए और इवनिंग में उसको लीजिए, उससे पेट वगैरह बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह निकाल रही हूँ, और आज मैं बनाऊँगी बोड़ो की सब्ज़ी और खीर और रोटी। तो बहुत अच्छी बनती है बोड़ो की सब्ज़ी अगर ताज़ी मिल गई तो। तो यहाँ पे मैं वही बैठी हूँ सब्ज़ी काटने, और मैं कोई इसका रेसिपी फुल नहीं मैंने शेयर किया है, बस वही जैसे आप बनाते हैं वैसे ही मैंने भी इसको बनाया है। और सिंपल जो है जीरा से और लहसुन मिर्चा से तड़का दिया है, और पहले जो है बोड़ा को मैंने भून लिया था, उसके बाद मैंने इसमें आलू डाला है। और बोड़ा इसलिए मैंने पहले भुना क्योंकि जो इसका पानी वगैरह अच्छे से निकल जाएगा और ये हो जाएंगे। आलू तो ऑटोमेटिक वैसे ही दो एक दो बार ढके तो वो हो जाते हैं। तो यहाँ लास्ट में मैं टमाटर डाल रही हूँ, और क्योंकि सब्ज़ी हो गई है, और मैं आप देख सकते हैं कि चकला बेलन मैंने रखा है रोटी के लिए, और जब ये सब्ज़ी हो जाएगी तो मैं रोटियाँ बनाना शुरू करूँगी। और उसके बाद ये एक तरफ मैंने खीर भी चढ़ा दी थी पहले ही, और इस तरह से, तो ये भी लगभग डन ही है। ये मैंने इंडक्शन पे रखा है तो ये लगभग ऑलमोस्ट डन हो गया है। और इसमें मुझे बस ये जो ड्राई फ्रूट वगैरह हैं बस वही ऐड करने हैं, और उसके बाद चीनी, चीनी मैं बाद में डालती हूँ जब चावल गल जाते हैं आधे, उसके बाद मैं इसमें चीनी डालती हूँ। तो चीनी इसलिए बाद में क्योंकि पहले डाल देने से जो है चावल का जो अच्छी तरह से जो फूलता है वो चीज़ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने ये इलायची डाली है ये कूट के, और इसके बाद जो है ड्राई फ्रूट थोड़े से मैं इसमें ऐड करूँगी, और ड्राई फ्रूट में काजू किशमिश और ये नारियल के छोटे छोटे टुकड़े मैंने करके रखे हैं वो मैंने डाले हैं। तो ये रहा मेरा डिनर, आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो ये रहा मेरा ब्लॉग मॉर्निंग टू नाइट का। आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग जो है आपको पसंद आया होगा, और ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करिएगा। और चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए फिर मैं आपको फिर अपने अगले ब्लॉग में किसी रेसिपी, किसी ऑर्गेनाइजेशन और किसी ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।